गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज शाम को ब्लॉग कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम बाद मतलब कैमरा खोला और सीधे ब्लॉग करने में स्टार्ट हो गया। तो काफ़ी टाइम से किया भी था और डाला भी था। काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं और क्यों नहीं डाल रहे हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ब्लॉग छोटा सा शूट किया जाए। जितना भी हो पाए गा मुझसे उतना ब्लॉग शूट करूँगा। बाकी ब्लॉग में आपको दिखाई दिया है, बाकी मैं आपको एक अभी एक चीज़ दिखाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। एक ब्लॉग में जो मेरा कंटिन्यू आता था पहले, वही चीज़ का एक छोटा सा सरप्राइज़ है। मैं आपको बताऊंगा क्या सरप्राइज़ होने वाला है। चलो मिलते हैं आपको ब्लॉग में आगे से। सीढ़ी पकड़ी है ताकि वो गिरे ना, सीढ़ी से सही रहे, यहाँ पे बैलेंस डिसबैलेंस ना हो। तो वो भैया ऊपर चढ़े हुए हैं, वहाँ भी कर रहे हैं। वहाँ पे भैया हाय कर दो। हाय कर रहे हैं भैया, देखिए। और बाकी कलर यहाँ किया हुआ है जो कि ऊपर ना सही नहीं दिख रहा, क्योंकि हम मैं पास खड़ा हूँ, दूर से दिखेगा। और अभी हमारी नन्नू यहाँ पर खेल रही है, देखो उसकी आवाज़ सुनो गाइस। नन्नू हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो। हाँ दिखाओ सबको, अपना हाथ दिखाओ सबको, वाला हाथ दिखाओ, दिखाओ ऐसे करो। ये देखो गाइस, इसके हाथ में मेहनत लगाई हुई है हमने। अब मम्मी ये सूख चुकी है, अभी धोना पड़ेगा। हाँ थोड़ी देर में धो देंगे इसको, ठीक है। मेरी अपनी नन्नू है जिसका नाम है सिलगोटी ब्रदर्स। तो गाइस काफ़ी टाइम से ये गाड़ी ख़राब थी जो कि मेरे ब्लॉग में नहीं आ पा रही थी। कई टाइम पहले ये मेरी वीडियो में आई थी मतलब यूट्यूब पे, तो उसके बाद तो अभी तक नहीं आई है। और इसको जल्दी ही मतलब एक या दो दिन में मतलब इसके क्लच पेट नहीं लग रही है और इसकी काफ़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। देखेंगे क्या क्या ख़राबी, वो भी सही करवाएंगे इसमें। और ये जल्दी ही अपना काम करना शुरू कर देगी, पानी का या फिर तख्ते वाली या फिर घर के जितने भी काम होंगे शादी वादी के। क्योंकि भाई गाइस आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कल जो था वो मैं ब्लॉग नहीं कर पाया था, क्योंकि कुछ ऐसे हालत हो गए थे जिससे मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाया था। पर ध्यान उसी में चले गया था। मेरे भाई की जो पेटी है उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी शाम के वक्त, जो कि मैंने फिर उसके पीछे थे हम सब के सब, भाभी भैया सब उसके पीछे थे, उसकी धीरे तबीयत सही करने में उसको कैसे और वो देखने में। तो उसके डॉक्टर के पास लेके रात को फिर उसको दिखाया, दवाई करी, अब वो सही है। तो अभी हमने यहाँ पे राखी का दिन है आज। और सबसे पहले तो मेरे तरफ से सारे भाई और बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। यहाँ पे हमने छोले बन रखे हैं जो कि भाभी बना रही है, और उसके लिए हमने यहाँ पे प्याज मिर्च टमाटर काट चुके हैं जो कि मैंने काटा है, रखा है यहाँ पे। और भाभी बीच को लेकर उसको रखा है कुकर में, मतलब जो पानी में रखा होता है और कुछ भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कुकिंग तो करता हूँ नहीं, भाभी को पता होगा तो वो हमें पकाएगी। चलो हम चलते हैं बाहर की तरफ, मिलते हैं आपको ब्लॉग में आगे से। फाइनली कल के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं जल्दी ही ऐसे की नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और नीचे जो ब्लॉग का बटन आया है सब्सक्राइब का वो भी क्लिक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना अपने भाई को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।